जेटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वाउचर्स में एक अलग से कॉलम इंसर्ट करते हैं डिस्काउंट के लिए, यानी हाउ टू यूज ए सेपरेट कॉलम ऑफ डिस्काउंट इन अ वाउचर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें फीचर इनेबल करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम फीचर इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं। वाउचर्स में गए, अब पहले ओपन कर लेंगे हमारा दिख रहा है किसी को। पेज नंबर 49 नहीं था क्या? ठीक है, हाँ तो है। ठीक है, वाउचर्स में आने के बाद आप इसमें काम कर रहे थे हमने परचेज वाउचर में ना। ठीक, चलिए सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका क्वांटिटी आ रहा है, रेट आ रहा है, पर आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, कोई डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है नहीं है। तो वही आज की क्लास में हमें सीखना है कैसे लाएंगे और कैसे यूज करेंगे। तो फीचर के लिए आप क्या प्रेस करते हैं? F11। यहाँ आपको दिख जाएगा सीधे से एक ऑप्शन कि यूज सेपरेट कॉलम डिस्काउंट, देख रहे हैं ना, या सेपरेट नहीं है, डिस्काउंट के नाम से है। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आपके मतलब कि इनवॉइस में क्या आ जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा किसका, डिस्काउंट। इसको आप क्या करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए बात खत्म। देखिए एक डिस्काउंट आ गया डिस्क के लिए, ठीक है, ये परसेंटेज के लिए वगैरह होता है कि जब परसेंटेज में किसी आइटम पर डिस्काउंट आपको देना हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके हम देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए दिया हुआ है कि एज ऑन 2nd अप्रैल 2021 तीन पीस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर खरीद रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसे, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। कहाँ है कंपनी, वो लखनऊ की कंपनी है, तो जाहिर सी बात है लोकल होगा, परचेज लोकल होगा। ठीक है, और 10% डिस्काउंट दे रहा है, स्कीम डिस्काउंट चल रहा है। और गुड्स कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस, और इनवाइस में मैंने टैक्स 55, बस स्टार्ट करिए, टैक्स 55। और पार्टी का नाम क्या है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसर इंडिया लिखते हैं मैंने, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, परचेज लोकल ही होगा, लोकल ले लिए। और आइटम का नाम क्या है, एसर C120 प्रोजेक्टर, वेयर हाउस में क्वांटिटी है 3 पीस और रेट दिया है, कितना दिया रेट, 20,000 रुपया। तो ये बताइए 20,000 का रेट है, यानी 20 के 60,000 रुपया हो गया ना 60,000, लेकिन उसके 10% डिस्काउंट दे रहा है। 60,000 का 10% 6,000, 1 0 हटा दीजिए, 10% का मतलब 1 0 हटा दीजिए, 60,000 का 10% 6,000, यानी 6,000 डिस्काउंट मिल गया, यानी कि ओवरऑल अमाउंट कितना आ जाएगा, 54,000, 52,000। तो जैसे ही यहाँ डिस्काउंट में 10% लिखेंगे और इंटर करेंगे तो अपने आप वो 54 ले लेगा। देखिए ले लिया, बस इंटर इंटर, बस अब यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, CGST और SGST, और मैच करा दीजिएगा सही आया कि नहीं आया, तो आप चेक कर सकते हैं 75,060 75,060। ठीक है, 54,000, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है 69,120 का है, और हमारा भी आ गया। ठीक है, इंटर करेंगे, इसको नो ही रहने, कर लेंगे आप लोग, आसान है ना, बस फीचर ये इनेबल करना है, बाकी काम को आप जानते हैं। हाँ, लेकिन आप चेक करते रहेंगे कि हाँ डिस्काउंट जो निकाला है प्रॉपर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा तभी जानते हैं कि 60,000 का 6% 6,000, और 6,000 कम करेंगे 54,000, तभी तो आप जान पाएंगे कि हाँ 54,000 सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए
कंट्रोल एजेंसी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। क्या कुछ ओपन कर जाता है, यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो जाता है सिस्टम में। हाँ देखिए कंट्रोल एजेंसी दबाए कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब मेरे लिए 60,000 देख रहे ना, यह लिखा है 60,000 मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई 100 और इंटर करेंगे तो 6,000 आएगा। यानी यहाँ से आपको जरूरी नहीं वो मोबाइल लिखने के निकाल लें, कंट्रोल एन से क्या कर लेंगे कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। कहाँ टैली लिख सकते हैं आप लोग, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर ओपन। अब इसको बंद कर लीजिए, नहीं जरूरत नहीं, हाँ मोबाइल का यूज नहीं करना पड़ेगा, जो भी कैलकुलेटर करना है आप यही से कर लीजिए फटाक से। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात मत करिए बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज किए गए, यानी आइटम ही है कुछ, SS-G41 मदरबोर्ड और SS-F61 मदरबोर्ड, ठीक है, और रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट देखिए अलग अलग दिया हुआ है, पहले आइटम पे 5% का और दूसरे वाले आइटम पे 7% का, ठीक है। चलिए इसको करते हैं फिर, तो देख लेते हैं क्या नाम है, एसएस पेरिफेरल कार्डबोर्ड, टेक्स 756, टैक्स 756 और पार्टी का नाम है एसएस पेरिफेरल, बनाया है कि नहीं हम लोग, एसएस पेरिफेरल बना हुआ है। अच्छा यहाँ ले लिया परचेज लोकस और आइटम का नाम रहेगा SS-G41, कोई पहले ले हुआ दिक्कत नहीं है, लोकेशन दिया हुआ है कहाँ स्टोर हो रहा है, शॉप से सौ शॉप ले लीजिए। अच्छा G41 कितना पीस है, G41 है 10 पीस है, ठीक है, और 24,000 रेट है, 2400 है ना, हाँ 2400 है, और सौ एक मिनट चाहिए, 2400 रेट है भाई, वो टोटल अमाउंट है ना, हाँ अब 5% डिस्काउंट है, यानी 24,000 का 10%, 24,000 का 10%, 2400 और काटा करेंगे तो 5% निकलेगा, यानी 1200 कम हो जाएगा, 24,000 में 1200 कम हो जाएगा तो 22,800 सही है सर दोनों सर, ऑनलाइन चढ़ाते रहिएगा जल्दी जल्दी पता चलेगा, ठीक है। एक आइटम हो गया, दूसरा आइटम SS का S60, लोकेशन 100, क्वांटिटी 10 ही है और रेट कितना है 42 और 7% का डिस्काउंट, यानी 41,060 रुपये, यानी ओवरऑल 61,860। इंटर करेंगे और लगा देंगे CGST और SGST, देखिए मैच कर गया क्या, 55,67, 55,67, तो यार डिस्काउंट लगाना पड़ेगा ना, राउंड अप लगाना पड़ेगा, सॉरी राउंड अप लगाना पड़ेगा, तो राउंड अप बनाना पड़ेगा, तो मैंने ये बताया था आपसे राउंड अप कभी कभी अगर 50 पैसे अधिक है तो उसको 1 रुपया बनाने की कोशिश करेगा, या कम है तो उसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगा, यही होगा। तो हम इंटर यहाँ इंटर करके कितने का अंतर आ रहा है, 20 पैसे का अंतर आ रहा है, तो हम अल्ट सी करके राउंड अप बना सकते हैं, तो हाँ जी बता रहा हूँ सुन लीजिए, तो राउंड अप आपको बताए बताइए कि प्लस भी करता है माइनस भी करता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका नेचर क्या रखते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, एक्सपेंस ही रखते हैं, यहाँ राउंड अप ले लेते हैं, राउंड अप पूछेगा कितना, हम लिख दिया 0.0.20, देखिए जैसे इंटर करेंगे आ जाएगा, लेकिन कई बार करने की जरूरत नहीं होती है, कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जब यहाँ टाइप आप ले जा लेंगे ना,
हाँ, तो यहाँ ले लेंगे इनवाइस राउंडिंग, क्या ले लेंगे, मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके राउंडर को मैंने हटा दिया, क्या कर दिया, हटा दिया, राउंडर नहीं लगा रहे, देखिएगा अब राउंडअप लगाने जा रहे हैं। तो राउंडअप को लगाने से पहले, राउंडअप लगाने से पहले हमने क्या कर लिया, इसको कंट्रोल इंटर कर लिया। देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, राउंडअप के पास कोई आने रहा है, वैल्यू नहीं आ रही ना। मैं राउंडअप पे आने के बाद कंट्रोल इंटर किया, और उस दिन जब बनाए थे हम लोग, उससे पहले उस दिन ये कुछ नहीं किए थे यहाँ पे। अगर हम यहाँ इनवाइस राउंडिंग कर देंगे तो होगा क्या फायदा उससे, कि राउंडिंग लिमिट वो नहीं रहेगी, उससे फायदा क्या होगा, जैसे इंटर करेंगे वो जान जाएगा कितने का अंतर आ रहा है, खुद जोड़ लेगा, सबसे आसान मेथड होता है, जब घटाना हो घटा लेगा, जोड़ना को जोड़ा, पता आपका आपका एक हेडक कम हो गया, आपको माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे, बस डिस्काउंट को मॉडिफाई करके, सॉरी राउंडअप को मॉडिफाई करके क्या करेंगे, इनवाउस राउंडिंग कर देंगे, और लिमिट क्या लगा देंगे, 1 का, समझ में आ गई बात, क्या कर लेंगे, ठीक है बस इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। और देखिए अपने आप आ गया 20 पैसे का, और यहाँ इंटर करें, यहाँ नो ही रहने दें और इंटर, कोई दिक्कत है तो बताइए, हो जाएगा अगला नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन वही राउंड अप के बारे में समझाया है, तो राउंड अप बनाना मैंने पहले ही सिखा दिया आप लोगों को, क्यों सिखाया था ना, ठीक। तो देखिए यहाँ लेजर बनाना सिखाया गया है, वही बात, इनडायरेक्ट स्ट्रे, इनवाइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अक्वायर डिस्काउंट लेजर इन वाउचर, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज, सुनिएगा ध्यान से, जिसमें आप पर आइटम पे लगा रहे थे ना डिस्काउंट, पर आइटम पे डिस्काउंट लगा रहे थे 5% का, 7% का, कई में होता है कि टोटल अमाउंट का इतना देना है, वही क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज ना होकर इनवाइस वाइज हो, और वो परसेंटेज के रूप में ना होकर फिक्स अमाउंट में हो, कि 10,000 5,000 डिस्काउंट मिल गया, जैसे 50,000 का शॉपिंग किया, 50,000 में कई आइटम हो सकते हैं, एक ही आइटम हो सकता है, और आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी अगर एक अमाउंट में हो परसेंटेज में ना हो तो क्या करेंगे, तो वहां हमें डिस्काउंट का लेजर बनाना होगा, क्या बनाना होगा, डिस्काउंट का, डिस्काउंट रिसीव बनाएंगे, जब परचेज करेंगे डिस्काउंट रिसीव, और जब सेल्स करेंगे डिस्काउंट, और क्या डिस्काउंट पे जीएसटी अप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और कह रहा कि अगर डिस्काउंट जुड़ रहा है तो प्लस, यानी प्लस कितनी जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले ऑलरेडी प्लस होते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर परसेंटेज मिल गया है, 5% कम कर रहा है, तो माइनस लगा के लिखेंगे, क्या लगा के लिखेंगे, माइनस लगा के, ठीक है। अब डिस्काउंट का लेजर कैसे बनाएंगे, देखिए तो लेजर बना लिया जाएगा उसका, उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर स्टेप से पीछे जाके आप क्रिएट पे जाके लेजर बना लीजिए, क्या करना है, लेजर डिस्काउंट इसी का बनाए थे, अच्छा देख लेते हैं, अल्टर अल्टर में गए और लेजर में आ गए, और डिस्काउंट का देख लिया लेजर, क्योंकि हम लोग पहले से बनाया है, जी की बनाया है, तो बस यही कर लीजिए आप पे, कि अरे डिविडेंड खोल दिया गया, डिस्काउंट डिस्काउंट इसी नहीं बना हुआ है, डिस्काउंट अलाउ बना, अलाउ बना, क्रिएट में आइए, लेजर में आइए, और क्या बना लीजिए, डिस्काउंट इसी, ठीक है, इंटर किया, और डिस्काउंट मिलना क्या है, इनकम एक एक्सपेंस है, अच्छा डायरेक्ट इनकम, ठीक है, यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल नहीं होता है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पूछेगा जीएसटी, हम कहेंगे जीएसटी, यहाँ पूछेगा बोथ गुड्स या सर्विस, मैंने कहा गुड्स, यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी की वैल्यू, मैंने कहा वैल्यू, ये तीन चीजें नोट कर लीजिएगा आप लोग भी फाइल में, देखिए दिया है फाइल में डिस्काउंट चिप बनाने का, जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है दिया है ना, लाइट लाइट ऑन करो 2 मिनट के लिए, देखिए हो सकता है बीसी होगा आप लोग गड़बड़ दिया हो, लीजिएगा आप लोग हैं जो भी बात है, जो नाटक जो दूसरा नाटक में लिखा हुआ है वन थ्री जीएसटी, क्या जीएसटी उसके लिए गुड्स उसके लिए बेस्ट काम वैल्यू, जहां दूसरा वाला नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है उसमें लिखिए जीएसटी,
यहाँ लिखिए जीएसटी को काट दीजिए, तो दूसरा वाला नोटा देखिए लिखा उसको काट दीजिए, वहां लिखिए जीएसटी चलता हुआ पे ले लीजिए, जीएसटी और अगला गुड्स रहेगा तो वाले लीजिएगा बेच, और उसके बाद अगला लीजिएगा बेच कर भाई, उधर कहाँ लिख देगा भाई, दिमाग लगा है तो लिखो वही करें, कोई कोई भी ढूंढे और जो बोले वहां लिखो, पहले लाइन से लिखिए आप लोग, पहले क्या लिखिए यहाँ पे लिखिए जीएसटी, उसके जस्ट पीछे गुड्स, इसके जस्ट पीछे बेच कर भाई, खड़ी मतलब आप लोग को भी काम करना है, चाहे डिस्काउंट अलाउ होगा चाहे रिसीव होगा या कोई भी चार्ज होगा, कोई भी चार्ज सुन लीजिएगा मेरी बात, जैसे मान लो पैकिंग चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो गया, कोई भी ऐसा चार्ज लग रहा है, फिटनेस चार्ज हो गया, कोई भी चार्ज होगा, तो लेजर बनाएंगे सब पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और यही काम करेंगे, पहला जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, उसके बाद दूसरा में जीएसटी गुड्स पेश कर रहे हो, बात क्लियर है हर बार, ठीक है, लाइट बंद करें, रिकॉर्डिंग ऑन करें, तो इसका लाइट पर तीन दिखाई नहीं इसका वही है लेंस की दिक्कत दिखाई नहीं है, बदलवा देना किसी जमे वो बदला दे, हाँ दिखाई नहीं दिखाई सुन लीजिए, नहीं ठीक है, बेस एंड वैल्यू हो गया ना, और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बन गया हमारा, चलिए अब क्या किया जाए, वाउचर में चला जाए और F9 से परचेज वाउचर और क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन कर लिया समझ में आ जाएगा, डिस्काउंट जी बनाना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक ठीक है, अब चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 पीस है कैनन LVP 2100B प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन LTD, यानी पार्टी का नाम पहले मैटर करता है, और सबसे पहले की इनवाइट नंबर टेक्स 500, पार्टी का नाम कैनन, अच्छा परचेज लोकल, नहीं अच्छा नेम ऑफ आइटम, तो आइटम का नाम क्या है, कैनन ही था, ये कैनन है, कोनन नहीं है, कैनन है, ठीक है, और कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस ले लिया, क्वांटिटी 10 पीस हो गई और रेट दिया हुआ है यहाँ पे 4,000, नहीं है तो डिस्काउंट है 4,000, 8,000 है, उल्टा डाल देना इसी तरह 8,000, और यहाँ उस पर यहाँ डिस्काउंट नहीं डालेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ डिस्काउंट नहीं डालेंगे अब, इसको बंद कर दीजिएगा, फिर से कहाँ से बंद करेंगे आप लोग, F11 से पीछे उसको जो सेपरेट वाले को यस गिव से प्रॉब्लम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटर इंटर इंटर, ये टोटल था, और यहाँ आने के बाद आपको एक एक मुफ्त मिल रहा है 4,000 का ना, परसेंटेज में मिल रहा है, तो यहाँ लेंगे डिस्काउंट रिसीव कितना, अच्छा तो माइनस लगाते हैं, माइनस यानी डिस्काउंट हो गया तो माइनस हो गया, तब लगा देंगे क्या सी जीएसटी और अच्छा जीएसटी, 68,40, 68,40 सही कर लीजिएगा आप लोग, इसमें जीएसटी देखिए दिया हुआ है 68,40 कर लीजिएगा, 7,200 जो दिया है उसको 68,40 कर लीजिएगा, 6,840, 6,840, अच्छा सुन लीजिए, 7,200 भी आ जाता, पता है क्या करना पड़ता, सुनिए अभी हम डिस्काउंट पे जो काम किए हैं ना हम लोग, ये वाला जो अप्लीकेबल ये किए हैं नॉट अप्लीकेबल, अगर हम इसको क्या कर देते, अगले इसको जो हम लिए हैं यहाँ नॉट अप्लीकेबल ही रहने देते और इंटर कर लेते हैं, अभी 7,200 हो जाएगा, तो समझ रहे क्या गलती किया गया है वहां, तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने सिखाया आपको कि यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे जीएसटी, यहाँ क्या लेंगे गुड, और यहाँ क्या लेंगे बेना वैल्यू, बस आगे 48, 48, ठीक है, ये सही है, 48 सही है, और कर लेंगे कोई तो दिक्कत, कर लेंगे ना, आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है गलत है, मान लीजिए 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, उसमें से 4,000 पर डिस्काउंट मिल गया, यानी ओवरऑल बैलेंस कितना हो गया, 76,000,
76,000 यही ना। अब 76,000 में कितना परसेंट टैक्स देना है आपको? 18%, यह ना कुसुम में 18%। 76,000 का 18% निकालिए, 76,000 18 डिवाइड बाई 100 आया 13,680, और डिवाइड करिए 2 से क्योंकि आधा जाए ना, 840, 840 आ गया। यानी कि हमने जो लगाया तरीका सही है, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात ना? देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल एन से क्या आता है, कैलकुलेटर, यहाँ लिखिए ना कि 80,000 में कितना निकल गया, 4,000 निकल गया, यानी बैलेंस कितना हो गया, 76,000 का। अच्छा, इसका कितना परसेंट देना है टैक्स? 18%, और डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया टोटल टैक्स का अमाउंट आ गया 13,680। लेकिन यहाँ आईजीएसटी दे रहा है, यहाँ तो सीबीएसई दे रहा है, यानी इसका अमाउंट का आधा था, यानी 13,680 डिवाइड बाई 2। अरे 19 लिख दे गया, 13,680, ठीक है, बस फील करिए आप लोग, और डिवाइड बाई 2 तो 48 आ गया, 48 और 48 हम लोग पाया भी है, ठीक। और एक्सेप्ट लीजिए, क्या हुआ, क्या बताऊं? हाँ, ये जो परसेंटेज निकाला है सुन लीजिए, बता दे, जैसे आपने कितने का सामान बांटा, 80,000 का, इस पे कितना आपको डिस्काउंट मिलेगा, 4,000, यानी 4,000 का, यानी कितना पैसा आपको देना होगा, और 76,000 का कितना टैक्स देना है, एट द रेट ऑफ 18%। 76,000 कितना, 76,000 का 18%, और बटे में 100, 2 जीरो, तो 2 जीरो खत्म हो गया। अब 760 का मल्टीप्लाई करिए 18 में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 13,680। तो ये तुम्हारा एक पूरा टैक्स है ना, टोटल टैक्स है ना, इस टैक्स को आधा आधा दे रहे हैं ना, हम लोग बांट के देते हैं ना, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 48, यानी 48, 48। समझ में आ गया ना? वही आईजीएसटी दे देते, इकट्ठा दे देते, वही आईजीएसटी देना होता है, आईजीएसटी इकट्ठा दे देते, समझा की बात ना? अच्छा ऐसे निकाला जाता है, कभी भी टैक्स निकाल रहे हैं, तेरह तेरह छह सौ गलती और तो 46,680 आ गई, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है। आप क्या करेंगे, बस इंप्रूव कर दीजिए, क्या करते, डिवाइड कर दीजिए, दिमाग में रख दीजिए, क्योंकि एक अच्छा टैक्स निकला है ना, अब लोग क्या कर रहे हैं, आधा आधा दे रहे हैं, 10 रुपया टैक्स निकला तो आईजीएसटी देना होगा 10 रुपया दे देंगे, और सीएससी एसएससी देना होगा तो 5-5 रुपये, वही काम हुआ है, बात क्लियर है। कोई यहाँ से रुमाल ले गया क्या साफ करने वाला, अच्छा चेक कर लीजिए बैग एक बार, सही तो तुम्हारे पास है, ठीक होगा ही होगा, बताओ ना, क्या क्या अगर रिकॉर्डिंग में देना, अगर आप हार्डवेयर में आपके वहां, अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल मतलब समझ रहे ना, एक तरीका है, सलीका है रहने का, बात करने का, खाने का, तो कभी भी गांव वालों को बारात मत ले जाइए, पहले फोन से चौपट कर देते हैं, उनका उनका कम्युनिकेशन मेथड क्या होता है, उनको भी पता है कि कौन सा आइटम कहाँ मिल रहा है, पहले फोन के ही ज्यादा लेते हैं, तो घर देखेंगे, मतलब कि अरेंजमेंट देखेंगे, मतलब कि शादी देखेंगे, तो पहले खाना सारा, पहले तो फास्ट फूड का तबादला कर देंगे सारा तबाही उसमें खाने पे, और जब लास्ट में आप तो पिता होता के जयमाल में पिता के पहुंचेंगे, तो बस हो सकता है ग्रेवी बचाओ या कुछ और बचाओ, ये होता है ऐसे बेहतर गाँव वालों में, पहले पहले किसी गाँव तुम्हारे घर की शादी, तुम जाओगे इंटरटेनमेंट वहां करने के लिए, क्या करने के लिए, पहले जाकर तुम भी नाश्ता थोड़ी रुको, तुमको पता है यहाँ तो जो पापड़ मिल जाएगा या तंदूरी रोटी, पहले पहुंच के यही करते हैं, उनका गाड़ी इसलिए पहले छोड़वा दिया जाता है, जाके टूट पड़ो, सर सुनिया नहीं कर, ले जाना नहीं चाहिए आप, ये मतलब कुछ इसको गांव वाले को नहीं, इसीलिए कह रहे हैं मत कहिए, गांव वाले मैं कहाँ कहा हूँ,
तो कहा गाँव वाले तो समझे नहीं आपको, जैसे अपने घर के लोग ले जाए, गाँव वाले मतलब थोड़ा सा नहीं समझते हैं चीजों को ना, उनको बस एक ही कॉन्सेप्ट दिखता है, सधाऊंगा एक ही कॉन्सेप्ट है उसका, मौका मिले तो प्लेट उठा ले जाऊंगा। क्या है बड़ा लिया है ऑफर तो होता है क्या यही है। और कभी देखे नहीं गई ना उसमें हाई भी नहीं रहती घूमती रहे, कभी देखिएगा ये जो क्या बोलते हैं छोला भटूरा खिलाते हैं या फिर शादियों में वो जो गोबर सिस्टम का पहले प्लेट आता था, दो पानी काला काला एक में डाला एक में निकाला, उनका मार्ग साथ क्या क्या भोजन करने वाले आप तैयार है ना, यही होता सफाई नहीं होती है। कभी शहरों में देखिए जहाँ छोला भटूरा लगाते हैं दो ही तक पानी होता है, उन्हीं में पूरा बर्तन बीच में धोना है और वही सामने आप खा रहे हैं बढ़िया से चावल पे, मजबूरी वाली बात नहीं है। देखिए गंदगी है, मैं एक दिन गया गोरखपुर जब पासपोर्ट बनवाने गया था, वाली बहुत मन के मैं मतलब कुछ चीजें मेरी जो फेवरेट है, मैंने देखा कि एक स्टॉल था आलू पराठा का, मैं गया लेकिन जब मैं गया देखा कि उसी से खा भी रही है, उसी हाथ से बेल वाल के वो भी कर दे रही है, तो बर्तन भी धुल दे रही है उसी हाथ, मतलब मैं काफी देखा बहुत जोर से भूख लगी थी लेकिन कंट्रोल करना पड़ा। देखो मैटर करता है सारी चीजें, क्योंकि वो सब कई चीजें ऐसी हैं कि आप ध्यान भी देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उन सब चीजों को वो नहीं करता, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई चाहिए खाने के मामले में एटलीस्ट। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है पूरी बिल बेलन चौकी बेल देंगे, बड़की चौकी जो सोते हैं वो बेलन चौकी लाते हैं देखिए सच्चाई उस तरफ का तेल लगा के बढ़िया बिल देते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ भाई झूठ नहीं है। तो आई थिंक आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। और अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है अभी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कितना है ये 5 पीस है, पहले इनवाइस नंबर सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट 999 ये बनाए नहीं थे क्या, एडिशन वाला इस वाला बनाए नहीं थे क्या, बनाए अच्छा थे ना, ठीक है टेक्स्ट 555 टेक्स्ट अच्छा 555। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है ब्रदर इंडस्ट्री, ब्रदर इंडस्ट्री हाँ ठीक है एलटीडी लोकल, और आइटम का नाम है क्या है अच्छा ब्रदर एचएल, बना ही होगा ब्रदर अच्छा एचएल, लोकेशन क्या है साउथ वगैरह होता है, साउथ है 5 पीस है रेट 20,000 रुपया यही ना, यानी 1 लाख हो गया आपका, लेकिन अब 999 है 999 तो 55 डाल दिया क्या ठीक टैक्स 999। ठीक ठीक है हाँ, अब 1 लाख हो गया, अब ओवरऑल इस पे क्या करना है, डिस्काउंट दे रहा है हमें परसेंट में के अमाउंट में, नहीं 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये बस है, कहाँ परसेंट में दिया है ब्रदर, सॉरी डिस्काउंट ना, बात मत करिए आप लोग, डिस्काउंट करिए रिसिप्ट अलाउ कहाँ, माइनस लगा के लिखिएगा 2,000 रुपये, तो 1 लाख में 2,000 निकल गया तो 98,000, अब 98,000 रुपये क्या दे देंगे सीजीएसटी और मैच कर लीजिएगा, 88,20 आना चाहिए आप लोगों का, मिसप्रिंट हो सकता है आप सही कर लीजिएगा, 88,20 88,20 कर लीजिए आप लोग 88,20 कर लीजिए, अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ करिए ना, 88,20 88,20 इसको भी चेक करना तो चेक कर सकते हैं आप लोग, कंट्रोल ईयर 98,000 रुपया था ना, 98,000 पूरे 18 डिवाइड बाई 100 अमाउंट आ गया
17640, यानी कि 17640 डिवाइड बाई टू आ गया 1820। 1820 सही तो आया है हम लोग। अच्छा क्यों भरोसा नहीं है भाई? तो इग्नोर करिए इसको और इसको क्या करिए, एक्सेप्ट कर लिए। थोड़ा काम तेज है मेरा, सुन लेता हूँ, कर लेंगे ना आप लोग तो अच्छा अच्छी बात है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास। अच्छा